आज मैं आपको तीन दरख्त तीन कहानियां सुनाने वाली हूँ। किसी चोटी पे, किसी पहाड़ की चोटी पे तीन दरख्त थे और इन तीनों दरख्तों की एक एक ख्वाहिश थी। पहले दरख्त की ये ख्वाहिश थी कि काश मेरी लकड़ी से, लकड़ी के साथ कल को एक तख्त बने जिसके ऊपर बादशाह बैठे। दूसरे दरख्त की ख्वाहिश ये थी कि मेरी लकड़ी से कल को एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ बने और दुनिया के बड़े बड़े लोग उसमें सवार हों। तीसरे दरख्त की ख्वाहिश ये थी कि मेरी लकड़ी से कोई ऐसी चीज़ बने जो सारी ज़िंदगी लोगों को याद रहे। और आप जानते हैं कि क्या हुआ, उन तीनों दरख्तों की ख्वाहिशें पूरी हुई। पहले दरख्त की लकड़ी जब कटी तो उसके साथ एक चरनी बनाई गई और वो किसी अस्तबल में वो चरनी पहुंच गई, जानवरों को चारा सर्व करने के लिए इस्तेमाल की जाने लगी। दूसरे दरख्त की लकड़ी जब कटी तो उसके साथ कोई बहरी जहाज़ तो नहीं बना, लेकिन एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती बनी। और तीसरे दरख्त की लकड़ी वो किसी भी काम में नहीं आई और कई साल वो यूं ही पड़ी रही और उस लकड़ी को स्लीप के लिए इस्तेमाल किया गया, क्रॉस के लिए इस्तेमाल किया गया। आज इस कहानी से मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी ख्वाहिश, कोई भी डिज़ायर, कोई भी ख्वाब छोटा नहीं होता है। हम जो ख्वाब सोचते हैं या जो ख्यालात सोचते हैं, जो डिज़ायर्स रखते हैं, जो हमारे गोल्स होते हैं, हम उनको डिफरेंट तरीके से सेट करते हैं, लेकिन खुदा उन्हीं गोल्स को, उन्हीं ख्वाबों को, उन्हीं सोचों को, उन्हीं डिज़ायर्स को अपने प्लान के मुताबिक इस्तेमाल करता है। और कैसे इस्तेमाल करता है? एक दरख्त जिसने ये सोचा कि काश मेरी लकड़ी के साथ कोई तख्त बने और उसके ऊपर बादशाह बैठे कोई, और आप जानते हैं कि वो चरनी जो कई अस्तबल में इस्तेमाल हुई, जो कई जगहों पर इस्तेमाल हुई, आखिरकार वो एक ऐसी जगह पर पहुँच गई जहाँ पर एक नन्हा बच्चा उस चरनी के अंदर रखा गया। और वो नन्हा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि बादशाहों का बादशाह खुदावंद यीशु मसीह था जो उस चरनी में रखा गया। इसी तरह से दूसरा दरख्त जिसने ये सोचा कि काश मेरी लकड़ी के साथ एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ बने, बहरी जहाज़ तो नहीं बना लेकिन एक आम सी सादा सी लकड़ी की कश्ती उससे बनाई गई। और आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ उस कश्ती में सवार हुआ, और ये वही कश्ती है जो उस वाक्या के दौरान इस्तेमाल हुई जब खुदावंद यीशु मसीह झील से एक किनारे से दूसरे किनारे को गया और आंधी और तूफान और एकदम से मौसम तब्दील हो गया और शागिर्द परेशान हो गए कि ये सब कुछ क्या हो गया, और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सोए हुए से जगाया कि हम डूबे जा रहे हैं, हम परेशान हैं और तू यहाँ पे सो रहा है। जी हाँ जी, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाक्या है जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। और तीसरा दरख्त जिसने ये सोचा कि काश मुझसे कोई ऐसी चीज़ बने कि जिसको सदा दुनिया याद रखे। और आप जानते हैं कि वो लकड़ी का टुकड़ा खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब करने के लिए इस्तेमाल किया गया और रहती दुनिया तक लोग उस सलीब को याद रखेंगे जिस पर आपका और मेरा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह मसलूब किया गया। तीनों दरख्तों की ख्वाहिशात पूरी हुई, तीनों दरख्तों की जो मुराद थी वो पूरी हुई, लेकिन उनके सोचे हुए अंदाज में नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के, खुदा के ठहराए हुए अंदाज के मुताबिक। आज हम में से बहुत से लोग बहुत कुछ सोचते हैं और अपने प्लान्स के मुताबिक उनको पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन मेरे अजीजो ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारे इरादे खुदा के इरादों से मुख्तलिफ हैं, हमारी सोचें खुदा की सोचों से मुख्तलिफ हैं, हमारे प्लान्स खुदा के प्लान से मुख्तलिफ हैं। और आज इन तीनों दरख्तों की कहानी से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो चरनी जो उस नन्हे बच्चे के लिए इस्तेमाल की गई, ये वही चरनी थी
जो उस दरख्त की ख्वाहिश के मुताबिक बनी और उस पर बादशाहों का बादशाह खुदावंद यीशु मसीह लिटाया गया। और ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है जो आपके लिए मेरे लिए आसमान को छोड़ के, अलूहियत को छोड़ के, अपनी बादशाही को छोड़ के इस ज़मीन पे आया, जो आसमानों को छोड़ के इस ज़मीन पे आया ताकि आपके लिए और मेरे लिए निजात का इंतज़ाम कर सके। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की उस कुर्बानी को रायगा ना जाने दीजिए जो उसने आपके लिए और मेरे लिए सलीब पे कुर्बान होके की। ये वो वाहिद बच्चा है जिसको अपनी पैदाइश से ही ये मालूम था कि उसने मरना है, उसने मसलूब होना है, उसने कुर्बान होना है, क्योंकि वो पैदा ही मरने के लिए हुआ। आप कहेंगे कि हर इंसान ही पैदा मरने के लिए होता है। जी हाँ जी, ज़रूर होता है, लेकिन यीशु मसीह की मौत दूसरों से मुख्तलिफ थी। आज तक कभी किसी बच्चे को पैदाइश के मौका पर कोई ऐसी सौगात नहीं पेश की गई जो मौत को पेश करती हो, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर तीनों मजूसियों में से एक मजूसी मुर लेकर आया जो मौत का निशान है, और वो इस बात को साबित करता था कि ये मसीहा, ये निजात दहिंदा, निजात देने के लिए सलीबी मौत इख्तियार करेगा, मरेगा, और उसका कफारा बख्श खून सबके लिए निजात का सबब ठहरेगा। मैरी क्रिसमस टू यू। एक दफ़ा फिर आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हों, और खुदा हम सबको ये दिन देखना नसीब करे। मेरी अगली वीडियोस देखना ना भूलिएगा ताकि हम मिलके खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट करते हुए उसके कलाम की गहरी बातों को भी सीखते चले जाएं। मे गॉड ब्लेस यू।